सास संगत जी बड़े प्यार से कहना धनकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सॉन्ग पर दास गोल्डी आज आप सभी संत महात्माओं से एक सुंदर सी कहानी सास संगत शेयर करने जा रहा है अगर साह संगत अच्छी लगे तो जरूर साहस संगत इसको आगे महापुरुषों के साथ शेयर करें और लाइक करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले नए नए विचार कहानियाँ और गीत शास संगत सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और साथ संगत जो घंटी का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो साथ संगत ये कहानी है गुरु पे शास संगत गुरु किस प्रकार शासत अपने शिष्य का हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और उसकी तरक्की की शास संगत हमेशा वो आस रखते हैं उम्मीद करते हैं और साथ संगत प्रार्थना करते हैं प्रभु से तो इसी प्रकार साथ संगत एक तीसरी क्लास में बच्चा था और उसके स्कूल में शास जो उसके टीचर थे उन्होंने क्लास में आकर एक दिन सारे बच्चों से सवाल किया कि अगर मैं पूरी क्लास के बच्चों को सौ सौ रुपए दे दूं तो आप क्या करोगे अब साथ संगत सभी बच्चे बताने लगे कोई कहने लगा कि सर मैं अपने लिए चॉकलेट खरीद लूँगा कोई कहने लगा सर मैं अपने लिए एक बैट लेकर आऊँगा साथ कोई कहने लगा कि मैं अपने लिए खिलौने लेकर आऊँगा और कोई साथ कहने लगा कि मैं अपने लिए शूज़ लेकर आऊँगा साथ सभी बच्चे अपनी अपनी इच्छाएँ बताने लगे जो उनके मन में आ रहा था सभी बच्चे बता रहे थे कुछ सांग जो गर्ल्स थी वो कह रही थी कि हम अपने लिए गुड़िया ले आएंगे सा इस प्रकार सारे बच्चे अपनी अपनी इच्छाएं बता रहे थे परंतु लास्ट में बैठा एक बच्चा वो शास गहरी सोच में बैठा हुआ और वो कुछ नहीं बोल रहा था अब शास संगत जो सर थे जो उनके गुरुजी थे वो शास उसके पास गए और कहने लगे बेटा आप क्यों नहीं बता रहे कि आप क्या लोगे और किस सोच में डूबे हुए हो सास संगत वो कहने लगा कि सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा ख़रीद कर ले जाऊँगा मार्केट से परंतु मेरी सोच इसलिए ज़्यादा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा सोच में डूबा हुआ हूँ क्योंकि सौ रुपये में मेरी माँ का जो आँखों का चश्मा है वो आएगा नहीं साथ संगत जो सर थे उसके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि बेटा आप अपनी माँ के लिए चश्मा क्यों लेना चाहते हो अपने लिए कुछ क्यों नहीं ले लेते हो साथ संगत वो कहने लगा कि सर मेरे पापा नहीं हैं और मेरी माँ कपड़े सिलकर कर मुझे यहाँ पढ़ने भेजती है और जब उनके आंखें कमज़ोर होती हैं उस वजह से उनको सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत आती है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं परंतु अगर मैंने उन्हें चश्मा दे दिया तो वो बहुत खुश हो जाएंगी और उनका काम भी तेज़ हो जाएगा साथ संगत ये बात सुनकर इतने अच्छे भाव देखकर उस बच्चे के साथ संगत जो वो सर थे जो उसके गुरु थे वो सांगत हैरान रह जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे की कितनी अच्छी भावना है अपने माँ के प्रति सास संगत वो कहने लगे बेटा तुम तीसरी क्लास में इतना सोच रहे हो अपनी माँ के लिए तो सास संगत उन्होंने कहा कि बेटा आप फिक्र मत करो ये सच में सौ रुपये मैं आपको दे रहा हूँ और सौ रुपये और प्लस आपको दे रहा हूँ और जिस दिन आप पढ़ लिख कर अपनी माँ की कमाई से बड़े इंसान बन जाओ तो ये सौ रुपये मुझे वापस लौटा देना सास संगत वो बच्चा बड़ा खुश हुआ और अपने सर के पैरों में गिर गया और कहने लगा सर आप बहुत अच्छे हैं बहुत महान हैं मैं आपका ये बदला कभी भी नहीं चुका पाऊँगा साथ संगत वो बच्चा सच में अपनी माँ के लिए चश्मा बनवा कर ले गया और साथ संगत उसकी माँ फूले नहीं समाई साथ ये बात ये घटना हुए काफ़ी समय बीत गया लगभग बीस साल बीत गए तो सास संगत एक दिन उसी स्कूल के आगे जो शहर का कलेक्टर था जो डीसी था सास संगत उसकी गाड़ी आकर रुकी साथ में उसके एक और गाड़ी थी जिसमें उसके सिक्योरिटी गार्ड्स थे सा दोनों गाड़ियाँ जब स्कूल के गेट के आगे रुकी तो सारा स्कूल हैरान रह गया कि डीसी आज इस स्कूल में एकदम बिना बताए परंतु साह संगत वो अंदर आए और आकर उन बुज़ुर्ग टीचर्स को मिले और उनके पैरों में गिर गए और कहने लगे कि सर मुझे पहचान लिया क्या मैं आपका वही शिष्य हूँ जिसने आपको सौ रुपये देने का वादा किया था वापिस जिसने आप जिसको आपने ये कहा था कि तुम बड़े इंसान बनकर मुझे सौ रुपये वापस लौटाना तो आज मैं आपके सौ रुपये वो लौटाने आया हूँ और साथ संगत जो गुरु थे उन्होंने उसको अपने कदमों से उठाकर अपने गले लगा लिया और कहने लगे कि तुम मेरे असली हीरो हो तुम मेरे नाम को रोशन कर दिया है तुमने तो असंगत अगर सात संगत जो हमारे में लगन है अगर सात संगत हमारे में और साथ संगत हमारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं तो हम जीवन में हमेशा एक ऊंचे मुकाम पर एक सात संगत बहुत ऊंचे कद पर ज़रूर पहुंचेंगे और साथ संगत गुरु का जो आशीर्वाद और माता पिता का जो आशीर्वाद उसके साथ था तो शासन उसको आगे बढ़ने से कामयाब होने से शासन कोई रोक नहीं पाया इसी प्रकार शास जो इस जीवन में अपने से बड़ों का आदर सत्कार करता है और अपने गुरु की हर बात को मानकर उनका आशीर्वाद लेकर हमेशा आगे बढ़ता है तो शाह वो हमेशा ऊंचाइयों को छू जाता है और शाह फिर सारी दुनिया उसको सलाम करती है सासंगत वो एक मिसाल बन जाता है सासंगत कुछ ना होते हुए भी जीवन में वो कामयाबी की सीढ़ियाँ जरूर चढ़ जाता है और सासंगत क्योंकि उसके गुरु का ये आशीर्वाद था कि तुम एक दिन बड़े इंसान बनकर मुझे वो पैसे लौटाना क्योंकि सासंगत उसके गुरु को ये पता था ये विश्वास था कि मेरा ये शिष्य जरूर एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा और साथ संगत हम भी इसी प्रकार अपने गुरु का नाम रोशन करें साथ ऐसा हमारे पर गुरु खुद विश्वास करें उनके हम पैम्पलेट बनकर सात संगत जीवन में आगे बढ़ें यही अरदास और बेनती है सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन